हेलो दोस्तों, आज देखेंगे योनो जो SBI का ऐप है, ये ओपन करने के बाद आप पहले ओपन कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम के बाद ओपन कर रहे हो, ये एग्जिस्टिंग में क्लिक करना है। मेरा SIM2 में वो नंबर लगा हुआ है, मैं SIM2 क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका SMS पैक होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरा फ़ोन पे SMS पैक है, ये ओपन हो रहा है। देखिए प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यूज़र नाम, नेम और पासवर्ड देना है। अब यूज़र नेम और पासवर्ड कोई भूल चुके हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको बैक आ जाना है, क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ओपन हो रहा है www.onlinesbi.com, इस पर क्लिक कर लेना है। मैं ये थोड़ा डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप साइट करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करना है, मैं क्लिक कर लेता हूँ। ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन पे क्लिक करने के बाद। फिर ये देखिए ऊपर साइड एक ऑप्शन आएगा, देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यूज़र नेम पासवर्ड दिखा रहा है और एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड। देखिए यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, इस पर क्लिक कर लेंगे। फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आएगा फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। एक्चुअली मुझे यूज़र नेम पता नहीं है, पासवर्ड तो पता है, आप इस पे एरो पे क्लिक करके फॉरगेट यूज़र नेम कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे CIF नंबर जो आपका पासबुक में लिखा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है CIF नंबर इज़ अवेलेबल इज़ योर पासबुक एंड और स्टेटमेंट और ऑफ अकाउंट। मैं अपना CIF नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरा पासबुक में लिखा है। मैं अपना CIF नंबर डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मैं अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है, मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। अब सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक OTP आएगा, मतलब रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अपना यूज़र नेम यहाँ पे दिखा दिया और यूज़र नेम आपका मोबाइल का रजिस्टर्ड मोबाइल का SMS में भी आ जाएगा। देखिए SMS में भी आ गया। अब पासवर्ड भी ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं, देखिए रजिस्टर नंबर पे आ गया, पासवर्ड भी ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ से बैक आ जाना है आपको। बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना है, अकाउंट नंबर देना है, कंट्री देना है, मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है और ये कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, ऐसा और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो।